जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों मैं फिर से स्वागत करते हैं ELS न्यूज पर। जी दोस्तों आज हो गई है 27 नवंबर बुधवार। भाई दोस्तों जान लेते हैं क्या रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो नीचे लाल बटन दिया उसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन दिया उसको दे दिए। चलो दोस्तों बात करते हैं क्या रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। जी दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और से सटे जम्मू और कश्मीर पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से बिना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और मध्य पाकिस्तान पर है। वही दोस्तों अन्य चक्रवातियों का क्षेत्र पूरी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। वही दोस्तों पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में से 3 डिग्री में वृद्धि हुई है। वही दोस्तों दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर इस दौरान बढ़ गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के अंदर मौसम अनुमान की, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और दोस्तों पंजाब राजस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इन क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पूरी असम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली NCR का प्रदूषण खराब हद से भी खराब श्रेणी में बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है जरूर अपडेट साथ सभी को जाने को मिल गई है। वही दोस्तों आपके राजस्थान शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देता कि हम आपके राजस्थान की खबर आप तक पहुंचा देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वही दोस्तों आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो नीचे लाल बटन दिया उसे सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन दिया उसको दे दीजिए। थैंक यू। टिकट को भाई जन जवाहर तो वंदे मातरम। जय किसान जय भारत।